करेंगे फेस रीडिंग। जैसे कि आप वेबिनार का हमारा टॉपिक है कि हम फेस के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि फेस हमारा एक आईना है और हम फेस को देख के हम उसके बारे में किसी की भी पर्सनैलिटी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं फेस रीडिंग के बारे में बताऊंगी कि फेस रीडिंग दो तरह की होती है। एक फेस रीडिंग वैसे जो हमारे इंडिया का जो शास्त्र है वो वैदिक समुद्र शास्त्र है, जो जिसमें हमारा फेस के बारे में पूरी उसके ऊपर पूरा ग्रंथ लिखा हुआ है। तो वो ग्रंथ के ऊपर हमारा जो इंडिया ने रिसर्च बहुत कम किया है, लेकिन चाइनीज ने इसके ऊपर बहुत रिसर्च की। और चाइनीज ने जो इसके ऊपर रिसर्च की तो 90% रेजोनेट करने वाली जो चीजें थी उसके ऊपर उन्होंने फेस रीडिंग का जो ये बुक लिखी। और उस के अकॉर्डिंग, जैसे कि आपको पता है कि एआई के अकॉर्डिंग कोई भी डाटा अगर 70 या 80% रेजोनेट करता है तो इट मीन्स वो साइंस ओके है। तो हमारी जो फेस रीडिंग की जो हमारी ये साइंस है, ये जो हमारा साइंटिफिक, हमारे जो फिजियोनॉमिस्ट हैं चाइनीज के, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करके इसको साइंटिफिक प्रूव किया है। और आप देखेंगे धीरे धीरे इस कोर्स में आप देखेंगे कि आपको वो रेजोनेट करोगे अपने रिलेटिव्स का, अपने आप से, अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स के, आप रेजोनेट करोगे कि वाकई ये बंदे की पर्सनैलिटी ऐसी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, मैं आपको पीपीटी शेयर करती हूँ, जस्ट वेट, तब आप आपके पास अच्छे से राइट समझ। से अभी शेयर हो गया। जी देखिए सर, सबसे पहले हम फेस रीडिंग की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि ये आया कहाँ से है, क्योंकि हम जो भी बात करेंगे वो साइंटिफिक अप्रूवल करेंगे कि हमारा जो ये वैदिक समुद्र शास्त्र है ये बना कैसे। तो आप देखिए, जैसे हमारे विष्णु भगवान है, ये देखिए शैया पर लेटे हैं, तो ऐसे ही वो क्या करते थे कि लेटे लेटे जो हमारी हम लोग, जैसे कि हमारे मन के अंदर भगवान है, तो हम क्या करते हैं, खुश होते हैं तो हम भगवान को याद करते हैं, दुखी होते हैं तो भगवान को याद करते हैं। तो क्या हुआ कि वो भगवान विष्णु लेटे लेटे जैसे ही हम लोग हंसते थे या कोई हमें दुख आता था वो दुखी हो जाते थे, वो परेशान हो जाते थे। अगर कोई खुशी हो रहा है तो वो खुश हो जाते थे। तो क्या होता था कि उनके जो फेस के एक्सप्रेशन था वो चेंज होते रहते थे। अगर हम इंसानों को जैसे हम नीचे ऊपर से देखते रहते थे, तो क्या हुआ कि समुद्र देवता उनको बड़े डीपली ऑब्जर्व करते थे कि विष्णु भगवान के जो एक्सप्रेशन है वो चेंज कैसे हो। तो उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, एक ग्रंथ लिखा जिसको कहते हैं वैदिक समुद्र शास्त्र। और ये वैदिक समुद्र शास्त्र जो है वो संस्कृत में बहुत एक डीपली लेवल पे, इतनी मतलब डीपली लेवल पे लिखा हुआ है वो संस्कृत, जिसको कि हिंदी में ट्रांसलेट करना बहुत कम लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च किया है। और इसीलिए इसकी जो पर्टिकुलर है वो बुक इसके ऊपर नहीं है। पर कुछ बुक्स हैं जो कि मैंने भी बहुत सारी बुक्स खरीदी, लेकिन मैंने जब उनको पढ़ा तो उसमें से कुछ चीजें रेजोनेट ही नहीं की हुई, क्योंकि वो उस टाइम पे लिखी गई थी और आजकल के टाइम पे उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन चाइनीज ने इसको रिसर्च किया और उसके ऊपर उन्होंने उस पे जितना उनको समझ आया उन्होंने रिसर्च किया, और आज के टाइम पे उसकी जो उस पे चेंजेस किए, और वो 90% जो उस डाटा को उन्होंने कलेक्ट किया जो कि हम सबके फेस को देख के उनको रेजोनेट हुआ, तो वो उसको साइंटिफिक अप्रूव किया। देन आप देखिए, जैसे कि अब देखिए हम जो इस कोर्स में जो पढ़ेंगे, सबसे पहले आप ये देखिए कि मैं एक मिनट, सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि आप ये बताइए, एक मिनट मुझे स्क्रीन देखने दीजिए। मैं सबसे पूछना चाहूंगी कि क्या आप लोगों के फेस इतने सालों में चेंजेस हुए हैं, हमारी जो बॉडी में कुछ चेंजेस आए या फेस में कुछ चेंजेस कुछ देखिए, अपने फोटोग्राफ्स देखिए पिछले यंग एज में देखिए, उसके बाद थोड़ी और एज हुई तो आप देखिए कि क्या हमारी फेस चेंज हुए। कितने लोग यस इसमें रेजोनेट करेंगे कि चेंज हुए हैं। यस और आपको मैं यस ये मैम बताऊं कि अगर हमारे फेस चेंज हुए हैं तो आप नोटिस कीजिए हमारा नेचर भी चेंज हुआ है। जिन चीजों पे हम एग्री नहीं होते थे या जिन चीजों पे हम रिएक्ट करते थे, वो आज हम हमारे फेस के चेंज के अकॉर्डिंग हम अपने नेचर को भी चेंज करते हुए पा रहे हैं। आप नोटिस कीजिए।
तो ये चीज है कि हम इसको चेंज, हमारा अगर फेस चेंज होता है तो हमारा नेचर चेंज होता है, और अगर हमारा नेचर चेंज होता है तो फेस हमारा ऑटोमेटिकली होता है। आपको सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि हमारा सबसे जल्दी चेंज होने वाला पार्ट नोज है। नोज हमारा सबसे जल्दी चेंज होता है। आप देखिए हमारे जितने भी फिल्म स्टार हैं, अमिताभ बच्चन, शाहरुख, इनको आप देखिए पुरानी पिक्चरों में या उनके फोटोग्राफ्स देखिए तो उसमें उनके नोज चेंज होते हैं। जैसे उनके नोज चेंज होने वैसे उनके उनके करियर वगैरह होते हैं। अब लेस अब हम देखते हैं कि फेस रीडिंग जस्ट है क्या है। देखिए फेस रीडिंग जो है वो हमारी फेशियल फीचर्स को बताकर हम अंडरस्टैंड करते हैं कि पर्सनैलिटी प्रडिक्शन करते हैं कि वो बंदे का करेक्टर कैसा है, वो उस बंदे की पर्सनैलिटी कैसी है। हम इस फेस रीडिंग में ये पढ़ेंगे कि उस बंदे का करेक्टर कैसा है, वो बंदा गुस्से वाला है, वो बंदा शांत है, कैसा है, हम उसका नेचर बता सकते हैं। फेस रीडिंग अगर आप इस चीज को देखेंगे तो आप किसी की भी पर्सनैलिटी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम एनालिटिकल कर सकते हैं। जैसे फेस रीडिंग को हम देखिए समुद्रिक वैदिक समुद्र शास्त्र भी कहते हैं और इसको फिजियोनॉमी भी कहते हैं। चाइनीज भाषा में जो उन्होंने हमें दिया है वो फिजियोनॉमी है, और जो हमारा अपना शास्त्र है वो वैदिक समुद्र शास्त्र है।